बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बी ओरिजिनल के हवाले से। बी ओरिजिनल का मतलब ये है कि हम एक इंसान दूसरी इंसान से चेंज है, उसके डीएनए में चेंजेस है, उसकी पूरी जिस्म में एक एक चीज़ की चेंज है, उसकी शक्ल चेंज है, उसकी साइज चेंज है। जब ये सब कुछ चेंज है, उनके इमोशन भी चेंज है, हर इंसान की फीलिंग एक इंसान से दूसरे इंसान में चेंज है और हर इंसान के बिहेवियर एक इंसान से दूसरे इंसान में चेंज है। जब ये सब कुछ चेंज है तो हम कॉपी क्यों कर रहे हैं? हमारा अपना भी कुछ जाती है, अगर हमारा अपना भी कुछ जाती है तो हम उस चीज़ को क्यों नहीं देख रहे हैं, हम उस चीज़ को कॉपी क्यों कर रहे हैं? हम क्या देखते हैं कि मेरी अगर फेवरेट पर्सनालिटी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, या मेरी फेवरेट पर्सनालिटी गांधी था, या मेरी फेवरेट पर्सनालिटी कोई और पर्सनालिटी थी, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, तो उसी तरह बोलना कॉपी कर लेता हूँ, उसी तरह के कपड़े भी पहनता हूँ, उसी तरह की चीज़ें भी अडॉप्ट करना शुरू कर देता हूँ। नहीं, अगर मैं हर चीज़ हर लिहाज से चेंज हूँ तो मैंने अपने आप को बी ओरिजिनल रखना है। मैंने अपनी कुछ स्किल भी तो होनी चाहिए, लोग मुझे कॉपी करें बल्कि मुझे भी क्यों कॉपी करें, उनकी अपनी आदतें होनी चाहिए। मेरे आदत को सुनकर अगर मेरी कुछ हैबिट उनको अच्छी लग रही है तो वो उसी को लेकर अपने आप को देकर उनको अडॉप्ट करना चाहिए। हम क्या करते हैं, फिक्स टू फिक्स, यहाँ कॉपी किया तो यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ कॉपी किया, ये कपड़े हैं ये किसने पहने, ये इसने पहने, ये ड्रेसेस इसकी थी, ये चीज़ें उसकी थी, ये चीज़ें इसने लाई थी, तो हम उसी चीज़ को उसी से कॉपी करके यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। क्या ये पेस्ट, अगर मैं इंटरनली थॉट्स मेरी चेंज है, हर चीज़ चेंज है, तो मैं ये कॉपी क्यों कर रहा हूँ? हमें मिलता है कि मैं बहुत से लोग स्पीकर को कॉपी कर रहे थे, मैं क्यों कॉपी करूं? अगर लोग मुझसे मुतासर थे इसी जबान से जो मैं यूज़ करता था, तो मैं उसको भी ओरिजिनल करके क्यों ना पेश करूं, उसको ऐसा क्यों ना पेश करूं कि वो दोबारा चेंज ना हो जाए, वो मेरी अपनी हो, मैं उसको अपनी बनाकर पेश करूं, वो भी ओरिजिनल हो। चाहे वो नॉलेज हो, मेरा नॉलेज चेंज है, दूसरे का नॉलेज चेंज है, तीसरे का नॉलेज चेंज है, अगर सबका नॉलेज ही चेंज है तो मैं उसको उसी तरह क्यों पेश ना करूँ जो कि मेरा अपना है? मेरी अपनी थॉट्स सबकी चेंज है तो मैं अपनी थॉट्स को क्यों पेश ना करूँ? मेरी अपनी फीलिंग सबकी चेंज है, मैं फीलिंग को भी नहीं देखता, मैं देख रहा होता हूँ कि नहीं मैंने सिर्फ कॉपी करना है, तो उसकी सब चीज़ें कॉपी कर लेते हैं हम। मैंने तो ये भी देखा है वो कॉपी इस तरह करते हैं कि बिल्कुल फिक्स टू फिक्स, उसमें 100% में कोई फर्क नहीं आता, वो कॉपी उसी तरह ही कर रहा होता है। वो किसी स्पीकर से मुतासर होता है तो वो अपनी उसी तरह की कॉपी लेकर चाप रहा होता है और वो कहता है कि मैंने उसी तरह ही बोलना है, उसी के जुमले बोलने हैं, उसके ये बोलना है उसको। आप अपने आप को मोटिवेट करें लेकिन बी ओरिजिनल हो, आपके अंदर खुद खुद तलाशी हो, आपके अंदर खुद कुछ जज्बात हो जो कि आप बाहर ला सको और आप बी ओरिजिनल रहा करो, और आपकी अपनी खुद कुछ अंदर ड्रीम्स हो। हम कहते हैं कि दूसरे को ड्रीम्स को कॉपी करो, नहीं, दूसरे के ड्रीम्स को सिर्फ देखो, उससे सबक लो और फिर अपना करके बी ओरिजिनल रहो, और अपना करके फिर बनाते रहो, फिर अपना करके अपना बी ओरिजिनल बनाते रहो, ना किसी की थॉट्स कॉपी की, ना किसी की कुछ कॉपी की, अपना ही रहा, अपने तक मैं दूध रहा और अपना ही बनता रहा। अगर मैं अपना बनता रहूंगा तो मैं एक ओरिजिनल चीज़ बन जाऊंगा और वो मेरी अपनी ओरिजिनल चीज़ होगी, लोग फिर मुझे काफ़ी कॉपी करते रहेंगे। मैं अपने आप को देखकर, अपनी नॉलेज को, अपनी फीलिंग को देखकर मैं भी ओरिजिनल क्यों ना रहूं? मैं ये क्यों ना सोचूं कि भी ओरिजिनल भी एक चीज़ है? मैं क्यों ना सोचूं कि भी ओरिजिनल को भी देखना पड़ता है? मैं ये क्यों ना सोचूं कि भी ओरिजिनल रहा करें, भी ओरिजिनल ही बनना चाहिए ताकि मेरी अपनी सलाहियत हो, मेरी अपनी स्किल हो। जब मैं बी ओरिजिनल रहूँगा तो मैं अपनी बी ओरिजिनल की वजह से मैं किसी और को भी सिखा पाऊँगा, मैं ये भी सिखा पाऊँगा कि मैंने ये चीज़ सिखानी है किसी और को। जब मैं खुद एक्सपर्ट ना हूँ किसी चीज़ का तो मैं किसी और को नहीं सिखा सकता, तो मैंने बी ओरिजिनल रहना है। हर चीज़ में मेरी अपनी चीज़ होनी चाहिए, मैं अपनी चीज़ को भी देख लूँ, मैं अपनी हर आदत को, हर चीज़ को अपना ही बना कर रहूँ। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वस्सलाम।